हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने अस्तर लिया है। ये अस्तर हमारा सूती है कॉटन का, और यहाँ पर हमारा मैन कपड़ा है। देखिए पीछे की तरफ हमारा गला बना हुआ है, और जो हमारी लेस है इसको हम बाजू में लगाएंगे। तो हमारा देखिए जो गला है उसकी चौड़ाई 7 इंच है। तो पीछे की तरफ हमारा गला बना हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से बिछा देना है। सबसे पहले हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 13 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से जहाँ पर हमारी बंद साइड है वहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे हुक और आई की पट्टी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो पीछे वाले गले की चौड़ाई हमारी 7 इंच थी, तो आगे वाले गले की चौड़ाई भी हमें 7 इंच रखनी है, ठीक है। तो 7 के आधे हुए 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा बोट नेक में गला बनेगा, और गले की लंबाई हम रखेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच, जिसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे, तो हमें 6 इंच पर निशान लगाना है, और इस तरह से 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 34 इंच है। तो इस तरह से हम 34 को आधा करेंगे तो 17 इंच आएगा, और 17 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन भी लेना है। अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर की चौड़ाई 28 इंच है। तो 28 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14 इंच, और 14 इंच को आधा करेंगे तो देखिए आएगा 7 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। फिर हम इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आगे वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और दोस्तों यहाँ पर हम प्लेट का निशान नहीं लगाएंगे। जब हम इस ब्लाउज को सिलेंगे तभी हम बताएंगे कि प्लेट का निशान किस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पीछे वाला गला बना हुआ है, और इसकी लंबाई देखिए 7.5 इंच है। 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में चला जाएगा। तो जो हमारा गला है तो उसको हम बिल्कुल एक बराबर रखेंगे। देखिए अच्छे से हमें बिल्कुल एक बराबर ही रखना है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे, और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था तो उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे, और नीचे से और साइड से हमें सेम निशान लगाना है। और आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है, और गले की चौड़ाई हमें सेम रखनी है। यहाँ पर देखिए हमने आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखी है। अब हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे, और पीछे वाले पल्ले को हमें 1/2 इंच छोटा रखना है नीचे से, और साइड से भी हम पीछे वाले पल्ले को 1/2 इंच छोटा रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर भी हम प्लेट का निशान नहीं लगाएंगे, जब हम इसको सिलेंगे तभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है, अब हम क्या करेंगे बाजू की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है और बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। और बाजू की जो हमारी मोरी है वो 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, 3 इंच पर निशान लगाएंगे, यहीं से बाजू की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो हम 7 इंच रखेंगे, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान को लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है, अब हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें एक कट लगा देना है 20 सेंटर पर, फिर हम बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। ध्यान रखना है कि जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से बिछा देना है, और जो अभी हमने बाजू कटिंग करी थी तो उसको उसके ऊपर रखेंगे और इसी के बराबर कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमारी दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अस्तर को लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को लिया है, इसको अच्छे से बिछा देंगे। और जो अस्तर की ओपन साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है। फिर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और इसी के बराबर हमें कटिंग करना है। यहाँ पर हम अस्तर को थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे बाद में ही कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाला आगे वाला पल्ला कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से अस्तर को लेंगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बंद साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और जो हमारा पीछे वाला पल्ला है तो उसको इसके ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इतना हमारा अस्तर बचा हुआ है, तो इसमें से हम देखिए किस तरह से 2 बाजू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन बाजू ली है और इसमें सीधी तरफ से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें दोनों बाजू को रखना है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, जो हमारी सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे दोनों बाजू में और कटिंग कर लेते हैं। थोड़े ही सी अस्तर में हमारी देखिए किस तरह से 2 बाजू निकल आई हैं आराम से। तो इस तरह से हमने अस्तर से बाजू की भी कटिंग कर ली है और इस तरह से हमारा पीछे वाला पल्ला कटिंग हो गया है और यहाँ पर हमारा आगे वाला पल्ला कटिंग हो गया है। और जो हमारी लेस है तो इसको हम क्या करेंगे, बाजू में लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है और इसकी सिलाई हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।